अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो है और वीडियो का टाइटल होने वाला है वाई बॉलीवुड गोइंग डाउन। तो आज हम बॉलीवुड को देखेंगे कि भाई वो क्यों डाउन हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो करते हैं द एंड ऑफ बॉलीवुड। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मेरे व्लॉग चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा, हनुमान जयंती हाउ टू सेलिब्रेट इन पाकिस्तान, वो आपको मिलेगा मेरे व्लॉग में। तो ज़रूर वॉच करें, आपको अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। बॉलीवुड खत्म हो रहा है क्योंकि साउथ की इंडस्ट्री बॉलीवुड को पीछे छोड़ बहुत आगे निकल रही है। रीजनल सिनेमा अब रीजनल नहीं रहा, पूरे देश में पॉपुलर हो रहा है। सो इज दिस द एंड ऑफ बॉलीवुड? आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों बॉलीवुड ने पहले साउथ की फिल्मों को और उनके हीरोज को रिजेक्ट किया, फिर कैसे उन्हें कॉपी किया और फिर कैसे उन्हें नेशनल सुपरस्टार्स बनते हुए देखा। समझते हैं अबाउट द फॉल ऑफ बॉलीवुड। फर्स्टली लेट मी टेल यू, बॉलीवुड रियल नहीं है। जैसे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड नाम की एक एक्चुअल जगह है जहाँ काफी सारे फिल्म स्टूडियोज है, वैसे मुंबई में कहाँ है? इनफैक्ट धीरे धीरे मुंबई की लोकल इंडस्ट्री भी मुंबई से बाहर शिफ्ट हो रही है। बॉलीवुड कोई जगह नहीं, बॉलीवुड एक स्टेटस को है। बट इफ दैट्स ट्रू, मुंबई फिल्म कैपिटल कैसे बना? पावर की वजह से। जब पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ करता था तब मुंबई में सबसे रिलायबल पावर हुआ करती थी। बंगाल में भी सिमिलर सिचुएशन थी, इसलिए शुरुआती समय में फिल्में बॉम्बे और कलकत्ता में बनने लगी। लेकिन आज ये इलेक्ट्रिसिटी की पावर और फिल्मों की पावर भी पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो रही। पेंडेमिक से पहले भारत में हर साल 2000 फिल्में बनती थी, सिर्फ 20 साल पहले उनमें से आधी यानी 1000 फिल्में हिंदी में हुआ करती थी। रीजन सिंपल था, जिन फिल्म प्रोड्यूसर्स के हाथ में पावर थी उन्होंने सोचा कि हिंदी के इस्तेमाल से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ज्यादा लोग यानी ज्यादा शोज, और ज्यादा शोज यानी ज्यादा पैसे। एक्टर्स कैसे होने चाहिए? गोरे, जिनकी हिंदी परफेक्ट हो। स्टोरीज कैसे होनी चाहिए? ऐसी जो बड़े बड़े शहरों में होती हो। जो भी एक्टर, जो भी स्टोरी इस फॉर्मूला में फिट नहीं होती थी उसे रिजेक्ट किया जाता था। लेकिन ये फॉर्मूला कभी ना कभी तो पुराना होने ही वाला था। ऑडियंस सेम वही घिसी पिटी कहानियां सुनकर बोर हो रहा था। साल 2000 आने तक रिजेक्शन की ये कहानी इमिटेशन में बदल गई थी। साउथ की मूवीज का रीमेक हिंदी में बनना स्टार्ट हो गया। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में रिस्क बहुत कम था क्योंकि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड कहानियां कॉपी करनी थी। जिन स्टोरीज को ऑलरेडी ऑडियंस ने पसंद किया था, जो स्टोरीज ऑलरेडी हिट थी उन्हीं को कॉपी करके फिल्म्स बनानी थी। कई पॉपुलर हिंदी मूवीज जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हैं वो एक्चुअली हिट रीजनल मूवीज की रीमेक्स थी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट, बट अक्सर एक्टर्स और डायरेक्टर्स अलग होने की वजह से ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। सायराट आज तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग मराठी फिल्म है, जिसे हिंदी में बनाने के बाद उसे लोगों ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कंपैरिजन ओरिजिनल से होना ऑब्वियस था। सायराट काफी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इस मूवी ने कुछ ऐसा प्रूव किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। नया डायरेक्टर, नई कास्ट और एक डिफरेंट लैंग्वेज को लोगों ने एक्सेप्ट किया। सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, इस मूवी के मराठी गाने को सुपर हिट भी किया। सैराट जो सिर्फ 4 करोड़ में बनी थी उसने 110 करोड़ कमाए। इस कहानी में हम भारत की सबसे बड़ी फिल्म को कैसे भूल सकते हैं? बाहुबली, जिसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो ब्रेक किए ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज ब्रेक की और वो था लैंग्वेज बैरियर। डिड यू नो बाहुबली इन टोटल 10 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ जापानीज, चाइनीज, ताइवानीज, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भी शामिल है। बाहुबली द बिगिनिंग ने 650 करोड़ और द कंक्लूजन ने 1800 करोड़ कमाए हैं। बाहुबली वॉज एन इंस्टेंट हिट क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज हमेशा से ही टेक्निकली सुपीरियर रही है। साउथ की इंडस्ट्री अपने डिसिप्लिन के लिए मशहूर, कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक सबको एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। 2017 में बाहुबली के साथ पहली बार एक तेलुगु फिल्म साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी और फिर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2018 में 2.0, 2021 में पुष्पा और इस साल आरआरआर ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस के टॉप पर। I feel the stories are more innovative, slice of life and more real. Content is king. Raise your hand. अगर पिछले 2 सालों में आपने एटलीस्ट एक ऐसी फिल्म या सीरीज देखी जो हिंदी या इंग्लिश में अवेलेबल नहीं थी। हम के ड्रामास भी देखते हैं, एनिमे भी देखते हैं और मलयालम फिल्म्स भी एंजॉय करते हैं। आज की जनरेशन के लिए लैंग्वेज एक बैरियर नहीं रहा है। In today's world, language is no longer a barrier. It is a bridge. जहां 44% बॉक्स ऑफिस हिंदी मूवीज रूल करती थी, वो नंबर आज घट के सिर्फ 27% हो चुका है। साउथ की फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, एक एक्सपीरियंस होती है जिन्हें थिएटर में जाकर देखने का एक अलग ही मजा होता है। 2020 में पैरासाइट नाम की कोरियन मूवी ने जब ऑस्कर जीता, तब उसके डायरेक्टर ने एक इम्पॉर्टेंट लाइन कही,
कि जब हम सबटाइटल्स का एक इंच का बैरियर पार करते हैं तब और अमेजिंग फिल्म्स और अमेजिंग कंटेंट हम देख सकते हैं। आज भारत में जो हो रहा है उसके लिए ये लाइन काफी रेलेवेंट है। रीजनल सिनेमा बड़ी तेजी से नेशनल सिनेमा बन। सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं होता, सिनेमा इज अ मिरर टू द सोसाइटी। और जरूरी नहीं कि ये मिरर समाज के सिर्फ एक ही कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे। जिस सिनेमा को पहले बॉलीवुड ने रिजेक्ट किया फिर कॉपी किया, उसी सिनेमा को ओवरटेक करते हुए बॉलीवुड आज देख रहा है। ये चेंज इनएविटेबल है और जरूरी भी। व्हेन आई से बॉलीवुड इज ओवर, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता दैट हिंदी फिल्म्स आर ओवर, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एक फॉर्मूला जिससे हम सब तंग आ चुके हैं इज फिनिश्ड। इट इज टाइम फॉर अ चेंज, क्योंकि हर टाइप की स्टोरीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, फिर वो किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। आज का वीडियो था और वीडियो आपने देख ही लिया है कि भाई कैसा है और इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली इसमें आपको पता ही है कि बॉलीवुड ने शुरू से ही स्टार्ट बॉलीवुड ने बहुत अच्छा लिया था और उस टाइम पर लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी और लोग सीधे साधे लोग थे उस टाइम पर। तो बॉलीवुड, इवन दो मैं जब छोटी थी ना तो मुझे ऐसा फील होता था कि बॉलीवुड पता नहीं एक कैसी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब मैं बॉलीवुड की इतनी फैन थी, ह्यूज फैन थी। एग्जांपल अपने से ही दे रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को खुद फील करती हूँ कि मैं एक टाइम था जब मैं इन सारे एक्टर को जो है, एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं, इनकी पिक्चर्स बाय करती थी, इनकी ना पिक्चर्स आया करती थी, तो वो एक रुपये की मिलती थी, एक वन रुपीज़ की, तो मैं वो बाय करती थी और उसमें मैं अपने फेवरेट एक्टर जो एक्ट्रेस हैं उनकी बाय करके ना अपनी वॉल के ऊपर लगाती थी। एक वक्त ऐसा था, आई नो आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा बचपन में, नॉर्मली इंडिया में तो बहुत सारे लोग ऐसे करते थे और अब भी करते होंगे और अक्सर लगी हुई भी होती हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में भी ऐसे ही करते थे। और स्पेशली ये पता है कब होता था, ये ईद के दिनों में होता था, ईद से एक दो दिन पहले, मतलब दस एक हफ्ता पहले हमारे पास ये आ जाता था। लेकिन अब की अगर हम बात करते हैं तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होता और अब ऐसा कोई ट्रेंड भी नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन ख़राब हुआ तो उसकी वजह से हमारी जो ये चीज़ें हैं वो चेंज हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि अब इनमें वो क्रेज़ नहीं रहा। अब लोग जो है ना वो बाहुबली को पसंद करते हैं, अब जो है वो यश को पसंद करते हैं, मतलब कि अब वो जो पसंद कर रहे हैं वो उनको पसंद करते हैं जो तमिल मूवीज़ के हैं। मतलब कि आप देख लो तेलुगु साउथ मूवीज़ जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि उनका एक अलग ही लेवल है। उनकी हालांकि ज़बान सबको समझ नहीं आती लेकिन उनकी जो एक्टिंग है वो इतनी नेचुरल होती है कि हमें ऐसा फील होता है जैसे हम फेस टू फेस देख रहे हैं ये सब कुछ, हम फील कर पाते हैं। बॉलीवुड पहले तो बहुत ही समझ आता था, चलो ठीक था, सिंपल था, लेकिन बॉलीवुड में हमेशा से मुझे जो चीज़ फील हुई है और मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें स्टोरी कम होती है, उसमें एक्शन ज़्यादा होता है और उसके अलावा जो है ना वो फेक ज़्यादा दिखा रहे होते हैं। दूसरा बॉलीवुड में जो है ना वो एक ड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो उसमें नंगा पंगा ज़्यादा दिखाया जाता है, न्यूडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और एज़ कम्पेयर टू स्टोरी अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट इसी चीज़ से करते हैं। और मुझे लगता था कि ये 2010 के बाद से ये सब कुछ ज़्यादा होने लग गया, बट इससे पहले मैंने काफ़ी सॉन्ग सुने और काफ़ी मूवीज़ भी देखी, तो उसमें मैंने देखा है कि जो 80 और 70 में जो मूवीज़ बना करती थी उस मूवी में भी वो उनकी पूरी बॉडी तक फील होती थी। एकदम मुझे सॉन्ग याद नहीं है लेकिन वो ना मैंने देखा था कि पहाड़ों के ऊपर एक मतलब फीमेल है और वो एक्टर का एक्ट्रेस का नाम नहीं आ रहा, उन्होंने वाइट कलर की दुपट्टा ओढ़ा हुआ है एंड वो बिल्कुल म्यूट थी बिल्कुल। आप इससे आइडिया लगा लो कि बॉलीवुड आज से नहीं तब से ही वो स्टार्ट हुआ हुआ है। आई डोंट नो कि आप लोगों ने देखा है, डेफिनेटली आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, नाम मुझे सॉन्ग का नहीं आ रहा और एक्ट्रेस का भी नाम नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप लोगों को आ रहा हो तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा उसका नाम। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यार आप बॉलीवुड ने अपना नाम खुद ख़राब किया है। एक तो उन्होंने वो मिसकंसेप्शंस लेकर आगे लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की, बेसिकली लोग क्या देखना चाहते हैं इन्होंने वो नहीं दिखाया, इन्होंने वो दिखाया जो ये दिखाना चाहते थे। लोगों को लैंग्वेज से कोई मसला नहीं है क्योंकि अब देखो इंग्लिश मूवीज़ भी तो लोग देखते हैं ना, गोरों की मूवियाँ भी देख रहे हैं,
पाकिस्तान में देखी जाती है, इंडिया में, पूरी दुनिया में बल्कि देखी जाती है। क्यों? क्योंकि हालांकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है लेकिन वो डबिंग के साथ देखते हैं, लेकिन अगर नहीं भी डबिंग होती तो ऐसे भी देख लेते हैं, स्टोरी समझ आ जाती है और वो उसको इंजॉय भी करते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड ने चलो हिंदी यूज की लेकिन इनको हर किसी को चांस देना चाहिए। बॉलीवुड ने कभी किसी को चांस नहीं दिया। आप यहाँ पर देख लो, अभी शाहरुख खान जाएगा ना, शाहरुख खान के साथ साथ उसका बेटा आ जाएगा। अभी ऋषि कपूर गए तो उनके पीछे उनका बेटा रणबीर कपूर आ गया। मतलब जैसे ही इनका टाइम थोड़ा आउट होता है अपने बच्चों को ले आते हैं। अब जो है वो इसी तरह से ही सारे जितने भी हमने एक्टर देखे हैं वो सारे उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी बहन, उनके भाई। प्रियंका चोपड़ा को देख लो तो उनके साथ उसकी सिस्टर, कजन सिस्टर जो है परिणीति चोपड़ा, वो भी आ गई। ठीक है, तो जिनको चांस नहीं था मिलना वो भी आ गए। अब सलमान खान की का बहनोई जो है, ब्रदर इन लॉ, उसका कोई लिंक तक नहीं बनता था लेकिन उसने शादी की उसकी सिस्टर से। हालांकि वो कभी भी शादी नहीं करता। अगर सलमान खान फेमस ना होता और अगर इसको मूवी का चांस का आइडिया ना होता तो ये कभी भी मुझे नहीं लगता शादी करता, लेकिन उसने शादी की क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं शादी करूँगा तो मैं एक्टर भी बन जाऊँगा, मुझे चांस मिल जाएगा, फिर मैं एक फेमस एक्टर और जो फैमिली है उनका मैं पार्ट भी बन जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है इससे जो है वो उसी को ही फायदा होना था, तो इसलिए उन्होंने कर ली। तो इसी से ही हर कोई एक दूसरे का फायदा उठाता है। तो ये जो है ना, बेसिकली बॉलीवुड ने कभी किसी और को चांस ही नहीं दिया जिनमें इतना कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। अब बाहुबली को देख लो कितना उन्होंने करोड़ों में कमाया, करोड़ों में। फिर आप RR को देख लो, KGF को देख लो, आउट क्लास मूवीज हैं, आउट क्लास। मैं कहती हूँ इतनी जबरदस्त हैं कि हम बॉलीवुड की किसी भी मूवी को आगे रखें तो इनके आगे 10% भी नजर नहीं आती हैं, क्योंकि उनका कोई है ही नहीं, स्टोरी नहीं। और अब भी वो कोशिश करते हैं इनको कॉपी करने की। हालांकि बॉडीगार्ड की अगर हम बात करें तो बॉडीगार्ड की भी यही बात हुई थी कि बॉडीगार्ड की भी इन्होंने कॉपी की थी। अच्छा, मैंने एक बार बॉडीगार्ड देखी मूवी तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये कॉपी है, लेकिन फिर एक दिन मैंने तेलुगु मूवी देखी, साउथ मूवी देखी, मैंने देखा कि यार ये तो मूवी का स्टोरी सेम टू सेम लग रहा है। फिर मुझे रियलाइज हुआ, फिर मैंने जब गूगल किया तो मुझे आइडिया हुआ कि ये मूवी पहले आई थी और ये बॉडीगार्ड बाद में आई थी। इट्स मीन के कॉपी है ये। फिर पता चला कि कितनी सारी कॉपीज ये लोग करते रहते हैं मूवीज की, डायलॉग्स की और नाम। और हालांकि साउथ की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी मूवीज इंडस्ट्री थी उनकी सबकी कॉपी करते हैं। सो मुझे तो बॉलीवुड शुरू से ही फेक लगा है और मैं 0% भी बॉलीवुड की फैन नहीं हूँ। हाँ, मुझे कुछ एक्टर पसंद थे और वो उनकी एक्टिंग पसंद थी, जिसमें सुशांत सिंह थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। और उसके बाद से बॉडी, वैसे भी उनके जाने के बाद बॉलीवुड की डिमांड और ज़्यादा डाउन हो गई। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।